स्वच्छ भारत स्वच्छ बेटी अभियान का प्रदेश में बीड़ा उठाने वाले सामाजिक संस्था हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था अब अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब संस्था ने इस अभियान के तहत स्वस्थ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद शुरू की है। इसी कवायद के चलते हमीरपुर में एक दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ बेटी अभियान का प्रदेश में बीड़ा उठाने वाले सामाजिक संस्था हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था अब अपनी इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब संस्था ने इस अभियान के तहत स्वस्थ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद शुरू की है। इसी कवायद के चलते हमीरपुर में एक दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त स्वास्थ्य खंड अधिकारी स्वामी प्रणवानंद डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित इस शिविर के दौरान संस्था के प्रबंधक एमडी अनिल कुमार ने संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इन मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। जानकारी देते हुए जिला संयोजक सुरेश कश्यप ने बताया कि वही स्वामी प्रणवानंद ने इस दौरान भावी पीढ़ी में बढ़ रही जंक फूड की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा खान पान दिन ब दिन विषैला होता जा रहा है, हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। साथ ही महामारी के दौरान आने वाली दिक्कतों साफ सफाई के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवाई। वहीं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने इस दौरान कैंसर टीबी से संबंधित बीमारियों की जानकारी देने के साथ साथ बताया कि महिलाओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ल्यूकोरिया एक सबसे घातक बीमारी है, इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग एक निशुल्क किट उपलब्ध करवाता है और ऐसे लोगों के प्रति शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मंडी के संयोजक संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक मुकेश ठाकुर, बिलासपुर के संयोजक कैप्टन बीसी सुमन अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था बस्सी घोरंज द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ बेटी अभियान के तहत उठाए गए इस बीड़े के तहत अब दिशा वर्कर के बाद हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति की जा रही है और इसी चरण के तहत जो है आज हमीरपुर में बिलासपुर व हमीरपुर जिला के हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति के साथ साथ उन्हें एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान तमाम हेल्थ वर्कर्स को नर्सिस को स्वच्छ भारत स्वच्छ बेटी मिशन के तहत निर्धारित किए गए उद्देश्य पर जागरूक किया गया ताकि अब गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। वैसे हमने एक ब्लॉक में कोशिश कर रहे हैं कि दो हेल्थ वर्कर्स रखनी है, अभी तक उसकी जो कार्यवाही वो चल रही है।